तो आज हम बात करेंगे जेव कॉर्प के स्टॉक के बारे में। जेव कॉर्प के स्टॉक में आने वाले ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो स्टॉक है हमको यहाँ पिछले एक लंबे समय से यहाँ पर लगातार एक अप ट्रेंड में देखने को मिलेगा। हमको स्टॉक में लगातार हायर लोअर पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज हमको यहाँ पर स्टॉक में 5.78% की यहाँ पर एक अच्छी तेजी देखने को मिली। इस तेजी से हमको यहाँ पर स्टॉक में एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है। ब्रेकआउट की बात करें तो जो ये स्टॉक है पिछले एक लंबे समय से 177 का जो लेवल है इसके नीचे ही ट्रेड करता था, लेकिन आज स्टॉक ने इसको ब्रेक किया है। इसको ब्रेक करने के साथ ही हमको यहाँ पर स्टॉक में एक अच्छा मूव देखने को मिला। यहाँ से अगर स्टॉक में बात करें तो यहाँ से अब 182 का जो लेवल है ये यहाँ पर स्टॉक के लिए काम करेगा ऐसा नेक्स्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस। अगर स्टॉक इसको यहाँ ब्रेक कर देता है तो इसके बाद फिर हमको यहाँ पर स्टॉक में 195 और फिर इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में फिर 218 तक के लेवल्स जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे ऐसा नेक्स्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस। वहीं यहाँ से अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो गिरावट ही कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में वन का जो लेवल है यहाँ पर सपोर्ट काम करेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा तो 167, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 161 तक के लेवल्स जो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे ऐसे नेक्स्ट सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग्स नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।